रामपुर से मिर्जापुर तक वोट संग्राम, 60 घंटे के बाद जनता का फरमान, क्योंकि रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर मतदान खत्म हो गया है और मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। लेकिन कम वोटिंग फिर से एक बार सिरदर्दी बनकर के सामने आई है। जहां स्वार में पहले 70% वोटिंग हुआ करती थी हुई थी, वहीं इस बार 42% वोटिंग हुई है। वहीं 96 में 47% वोटिंग हुई थी और इस बार 40% की वोटिंग हुई है। अब कम वोटिंग किसका खेल बनाएगी या किसका बिगाड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। स्वार का संग्राम, 96 की महाभारत, ईवीएम में कैद हुई उम्मीदवारों की किस्मत, कम वोटिंग से किसका फायदा, आजम की सबसे बड़ी परीक्षा। रामपुर के स्वार और मिर्जापुर के 96 में उपचुनाव का संग्राम खत्म हो गया है। जनता ने अपने वोट से मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर दिया है। अब सब कुछ ईवीएम में कैद है, लेकिन स्वार में जिस तरह से कम वोटिंग हुई उसने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जनता वोट डालने के लिए तो निकली लेकिन उसकी भीड़ में तो रफ्तार नहीं थी जो पुराने मतदान के आसपास भी पहुंच पाए, क्योंकि शाम 5 बजे तक सिर्फ 42% ही वोटिंग हुई, जबकि एक साल पहले जब स्वार में विधानसभा चुनाव हुआ था तब 70% जनता ने लोकतंत्र के इस पर्व में ईवीएम का बटन दबाया था। फिलहाल मैदान में उतरे दोनों उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर अब ईवीएम्स को सील करने का काम शुरू हो चुका है। ईवीएम सील की जा रही हैं और जो मतदाताओं ने आज अपने मत का प्रयोग करके स्वार की जनता ने वोट के जरिए ये फैसला ले लिया है कि किसको वो विधायक अपना बनाएंगे। नतीजे जो हैं वो 13 मई को आएंगे, लेकिन आज जो मतदान रहा वो पूरे दिन शांतिपूर्वक मतदान रहा। हालांकि मत प्रतिशत को लेकर के कई सवाल उठाए गए कि मतदान प्रतिशत कम रहा, लेकिन उपचुनाव था तो जाहिर सी बात है मत प्रतिशत कम ही रहता है उपचुनाव में, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो स्वार में कड़ी रही। अब सवाल ये है कि कम वोटिंग किसके लिए फायदेमंद होगी? क्या इसका फायदा अपना दल एस के उम्मीदवार शफीक अंसारी को मिलेगा या फिर सपा की अनुराधा को मिलेगा, क्योंकि कम वोटिंग का रहस्य गिनती से पहले कभी नहीं खुल पाया। लेकिन रामपुर में हुई कम वोटिंग के लिए सपा ने पुलिस को जिम्मेदार बताया। इन बूथों पे 900 की वोट संख्या थी, वहाँ सिर्फ 3-3 वोट पोल हुए और सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस लगा करके और वहाँ मतदाताओं को मतदान करने से रोक रही है। जहां समाजवादी पार्टी के ज्यादा संख्या में वोट हैं, ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो वोट कैसे न पड़े। तो ये देश जानना चाह रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अब लोकतंत्र का पूरी तरह से नंगा चीर हरण करेगी। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, जो भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं और सपा के प्रत्याशी हैं और एक पीस पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो 2 महिला प्रत्याशी हैं और एक पुरुष प्रत्याशी है जिनके बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। भाजपा अपना दल एस गठबंधन के शफीक अहमद अंसारी हैं और समाजवादी पार्टी से अनुराधा चौहान, तो वहीं पीस पार्टी से डॉक्टर नाजिया सिद्दीकी को यहाँ पर देखने को मिला कि इन तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। अब 13 मई को पता चलेगा कि जो नतीजे आएंगे कि स्वार की जनता ने किसे अपना विधायक चुना है। वहीं 96 में वोटिंग की रफ्तार अपने पुराने आंकड़े को नहीं छुपाई। जहाँ पिछली बार 47.29% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार 40% वोटिंग हुई है। अब सवाल ये है कि जनता ने किसके पक्ष में वोट दबाया है, क्योंकि वोटिंग के बाद मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों की धड़कनें बड़ी हुई हैं। यहाँ जनता का समर्थन है और आशीर्वाद भी मिल रहा है, हम अभी नहीं बताएंगे लेकिन हमें तो निश्चित लग रही है, लेकिन 13 तक पता चल जाएगा। अब सवाल बड़ा है कि उपचुनाव की इस लड़ाई में कौन भारी पड़ेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ 2 सीट का नहीं है, सवाल जीत हार के उस मोमेंटम का है जिसका असर आने वाले चुनाव पर भी दिखेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।